बिहार की राजनीति प्रयोगशाला में तैयार जातिगत जनगणना का फॉर्मूला कांग्रेस कर्नाटक के चुनाव में आजमा रही है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने इस मुद्दे की कमान खुद संभाल रखी है। वो केंद्र सरकार को जातिगत जनगणना कराने की चुनौती दे रहे हैं, तो बीजेपी की नजर में कांग्रेस का पॉलिटिकल पाखंड है। कास्ट सेंसस यानी कि जातिगत जनगणना राहुल का मास्टर स्ट्रोक है या फिर सियासी ढोंग, ये रिपोर्ट आप देखिए। असल में मेरा विश्वास जातिवाद में नहीं है। मैं तो चाहूंगी कि ये शब्द हम हटा दें अपने देश से। जातिवाद के विरोध की ये राजनीति विरासत थी जो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उनके पिता और देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने सौंपी थी, और यही विरासत राजीव गांधी से होते हुए राहुल गांधी ने संभाली थी। जातिवाद का किसी भी रूप में विरोध करने का सबक राहुल गांधी को 2014 के चुनाव तक अच्छी तरह याद था। 6 मई 2014 मिर्जापुर उत्तर प्रदेश। उनकी सोच हिंदू को मुसलमान से लड़ाओ, किसी एक जात की पार्टी बनाओ, एक जात को दूसरी जात से लड़ाओ, गुस्से की राजनीति करो और विकास की बात प्रगति की बात मत करो। लेकिन सत्ता गई तो राहुल गांधी कांग्रेस की विरासत का सबक भूल गए। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में उन्होंने जातिगत जनगणना की पैरवी की। 16 अप्रैल 2023 कोलार कर्नाटक। अगर हम ओबीसी को ताकत देना चाहते हैं तो पहले यह समझना होगा कि देश में ओबीसी कितने हैं, दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं। अगर हमें यही नहीं मालूम तो हम ओबीसी को शक्ति, ओबीसी को ताकत कैसे दे सकते हैं। जातिगत जनगणना के मुद्दे पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को चिट्ठी भी लिखी है, और खुद राहुल गांधी कर्नाटक की चुनावी रैली से लेकर दिल्ली में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं की चौपाल तक ले आए। आज खुद देश का प्रधानमंत्री ओबीसी समाज से आता है, एक्सपायर फार्मूला है, और ये ऐसा एक्सपायर फार्मूला है जो इनको बूमरैंग करेगा। कांग्रेस मान चुकी है कि जातिगत जनगणना का मुद्दा उछालकर उसने बीजेपी को बैकफुट पर धकेल दिया है, जबकि बीजेपी को लगता है कि कांग्रेस हिट विकेट हो चुकी है, क्योंकि देश में जातिगत जनगणना का विरोध कांग्रेस ही करती रही है। आजाद भारत में 1951 से 2011 तक कांग्रेस के राज में ही 6 बार जनगणना हुई, और हर बार कांग्रेस ने जातियों के हिसाब से आबादी बताने की मांग खारिज कर दी थी। यहां तक कि जनता पार्टी के राज में पिछड़ी जातियों की सामाजिक और आर्थिक हैसियत का पता लगाने के लिए जिस मंडल कमीशन का गठन किया गया, उसकी सिफारिश पर ओबीसी आरक्षण के लिए भी इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की सरकार तैयार नहीं हुई। अब जिस मुद्दे का विरोध कांग्रेस खुद कर रही थी, उसी का समर्थन राहुल गांधी क्यों कर रहे हैं, ये सवाल ही बीजेपी के लिए सियासी हथियार बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।